Hi guys, this is Taukeer Alam here. Today we are going to learn 5 French words, and that's really interesting for speaking English fluently. Friends, आज के इस वीडियो में हम 5 ऐसे फ्रेंच वर्ड देखेंगे जो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने में बहुत मददगार साबित होगी. तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं. फ्रेंड्स, आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है इन लीव ऑफ. इन लीव ऑफ एक फ्रेंच वर्ड है और इसका मतलब होता है इन द प्लेस ऑफ, यानी के जगह पर या के स्थान पर. फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो कि सना के जगह पर मन्ना जाएगी तो आप कहेंगे मन्ना विल गो इन लीव ऑफ सना. अगर आपको कहना हो बाइक के जगह पर मैं कार खरीद लूंगा तो आप कहेंगे आई शैल बाय अ कार इन लीव ऑफ बाइक. तो फ्रेंड्स, इन लीव ऑफ का यूज हम तब करते हैं जब हमको कहना हो इन प्लेस ऑफ, यानी किसी के जगह पर या किसी के बदले. आइए फ्रेंड्स दूसरा फ्रेंच वर्ड देखते हैं. और हमारा दूसरा फ्रेंच वर्ड है इनक्विस्ट ऑफ. इनक्विस्ट ऑफ का मतलब होता है इन सर्च ऑफ, यानी के तलाश में या की खोज में. अगर आपको कहना हो मैं पानी की तलाश में यहां वहां भटका तो आप कहेंगे इनक्विस्ट ऑफ वाटर आई वंडर्ड हियर एंड देयर. अगर आपको कहना हो फ्रेंड्स कि मैं अच्छी नौकरी की तलाश में हूं, आई एम इन क्विस्ट ऑफ अ गुड जॉब. तो फ्रेंड्स, इन क्विस्ट ऑफ का यूज आप तब करेंगे जब आपको कहना हो इन सर्च ऑफ, यानी की तलाश में या की खोज में. आइए फ्रेंड्स आज का तीसरा फ्रेंच वर्ड देखते हैं इन अ फिक्स. इन अ फिक्स का मतलब होता है फ्रेंड्स टू बी अनएबल टू डिसाइड वन थिंग और टू. यानी कई बार हमारे लाइफ में ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं जहां पर हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमें ये काम करना चाहिए या दूसरा वाला, या फिर हमें कौन काम कर लेना चाहिए, पहला या दूसरा, यह या वह. इस चीज को हिंदी में कहते हैं दुविधा में पड़ जाना और उर्दू में कहते हैं गफलत में पड़ जाना. अगर आपको कहना फ्रेंड्स कोई मेरी मदद करे, मैं चक्कर में हूं, या मैं दुविधा में हूं, या मैं गफलत में हूं, यानी मैं ऐसे कंडीशन में हूं जहां मैं पता नहीं कर पा रहा हूं कि मुझे क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए या वो करना चाहिए, तो आप कहेंगे Someone help me, I am in a fix. अगर कहना हो फ्रेंड्स कि आप दुविधा में क्यों हैं या आप गफलत में क्यों हैं, जो आपके सामने है वो करो, तो आप कहेंगे Why are you in a fix? Do whatever before you. यानी जो कुछ आपके सामने वही करो, ज्यादा चक्कर में ना पड़ो. आइए फ्रेंड्स आज का अगला फ्रेंच वर्ड देखते हैं इन वॉक. इन वॉक का मतलब होता है फ्रेंड्स इन प्रैक्टिस, यानी चलन में. जैसे अगर आपको कहना हो कि छोटी उम्र में शादी करने का रिवाज अब खत्म हो चुका है तो आप कहेंगे द कस्टम ऑफ अर्ली मैरिज इज नॉट नाउ इन वॉक. यानी कम उम्र में शादी करने का रिवाज अब खत्म हो चुका है या अब चलन में नहीं है, यानी प्रैक्टिस में नहीं है. आइए फ्रेंड्स आज का लास्ट फ्रेंच वर्ड देखते हैं. और हमारा लास्ट फ्रेंच वर्ड है फ्रेंड्स इन फुल स्विंग. इन फुल स्विंग का मतलब होता है जोरों पर है या अपनी पूरी सबाब पर है. फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो कि फैक्ट्री में काम जोरों पर है या अपनी पूरी सबाब पर है तो आप कहेंगे द वर्क इन द फैक्ट्री इज इन फुल स्विंग. यानी फैक्ट्री में जो काम चल रहा है वह जोरों पर चल रहा है, यानी अपनी पूरी सबाब पर चल रहा है. फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो पार्टी का इंतजाम जोरों पर है तो आप कहेंगे द अरेंजमेंट ऑफ पार्टी इज इन फुल स्विंग. मतलब पार्टी के इंतजाम का काम जोरों पर चल रहा है या अपनी पूरी सबाब पर चल रही है. तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं ये 5 फ्रेंच वर्ड्स आपको बहुत पसंद आए होंगे और आप अपनी डेली लाइफ में यूज करेंगे. फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो प्लीज इसे शेयर करना मत भूलिएगा मेरे कॉन्फिडेंस के लिए, ताकि मैं हर रोज आपके लिए एक नया लेसन ला सकूं. फिर मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय.